काफी लोग क्लोज में आकर के पथराव, भारी पथराव किया। ये अब देखने वाली बात है कि इतना ईटा पत्थर वहाँ आसपास में कैसे आ गया। ये आया चल पता कि लोकल लड़के इसमें बताए कि नहीं थे, आसपास के गांव से लोग आए हुए थे, ताकि बड़े हादसे को टालते हुए छोटे रूप में वहाँ से राउंड फायर किया ताकि वो उपद्रवी है वो यहाँ से भाग गए। नौगछिया पुलिस जिला के खरीक एनएच 31 पर सेना में बहाली की नई प्रक्रिया अग्निपथ के विरोध में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। पहले तो छात्रों ने खरीक रेलवे स्टेशन को अपना निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर छात्रों को वहां से हटाया, लेकिन उसके बाद छात्रों ने एनएच 31 पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और टायर जलाकर सेना में बहाली की नई प्रक्रिया अग्निपथ का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही नौगछिया SDM जितेंद्र कुमार पाल, SDPO दिलीप कुमार, RPM GRP एवं नौगछिया पुलिस जिला के सभी थाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। छात्रों ने जमकर बवाल करते हुए पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिए, जिससे नौगछिया SDPO दिलीप कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बचाव के लिए पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ 8 राउंड गोली चलाई, तब जाकर उपद्रवियों पर काबू पाया जा सका। पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज मौके पर पहुंचे और घटना स्थल एवं घायल पुलिसकर्मियों का हाल चाल लिया। मीडिया से बात करते हुए SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि उपद्रवियों को वीडियो में चिन्हित किया गया है, जल्द उन्हें गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर उन सबको सजा दिलाई जाएगी। साथ ही SP ने छात्रों और उनके अभिभावकों से TV अंग प्रदेश के माध्यम से अपील किया कि छात्र अपना विरोध करें, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान ना करें, ना ही किसी तरह की कोई घटना को अंजाम दे, नहीं तो हम उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई जरूर करेंगे। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। क्या देखिए, आज भी 3-4 जगह पे, जैसे नारायणपुर स्टेशन पे, खड़ी के स्टेशन पे, दो जगह ये लड़के सब आ गए थे और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी देर रहे भी है ना, लेकिन यहाँ से शांतिपूर्ण डिस्पर्स करा दिया गया था। SDPO और SDO साहब थे, श्री BDO साहब थे, थाना अध्यक्ष, काफ़ी पुलिस की प्रतिनिधि की गई थी। यहाँ से जाने के बाद खड़ी चौक पे जो लड़के वापस जा रहे थे, अचानक वो लोग उपद्रव करने लगे और उन्होंने काफ़ी जो है ईटा पथराव काफ़ी किया। उस ईटा पथराव में 3-4 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त भी हो गए, SDPO और अन्य कई पदाधिकारी जख्मी हो गए और काफ़ी लोग क्लोज में आकर के पथराव, भारी पथराव किया। ये अब देखने वाली बात है कि इतना ईटा पत्थर वहाँ आसपास में कैसे आ गया। हम लोग वो अनुसंधान करेंगे, हम लोग चिन्हित करेंगे, उनका वीडियोग्राफी कराया गया है। ये आया चल पता कि लोकल लड़के इसमें बताए कि नहीं थे, आसपास के गांव से लोग आए हुए थे। हम लोग पहचान करेंगे, हम लोग FIR करेंगे, हम लोग चार्जशीट करेंगे, SPD ट्रायल करेंगे, ताकि वो फिर आगे ऐसी वो हिम्मत ना करे, विधि व्यवस्था से बिगाड़ने की कोशिश करे। अगजनी भी हुआ था क्या, उससे कोई नुकसान? अगजनी नहीं, वो अगजनी की वो जो टायर लगा के जो रोड पे रख के जाम करता है वो यहाँ पे क्या था, वो तो वो मामूली था। सर, पुलिस की तरफ से कितनी राउंड फायरिंग की गई? हाँ देखिए, जब पब्लिक जब पूरा इतना पथराव करना शुरू कर दिया कि अब लगा कि कई पुलिस जख्मी हो गए, अंतिम में फिर जो है 5-6 राउंड है फायर किया, हवाई राउंड फायर किया गया ताकि उपद्रवी वहाँ से भाग जाए। पर जख्मी होने के बाद ये डर था कि कोई पुलिस जो है फायर ना खोल दे, उससे तो बड़ी घटना घट जाती। लेकिन यहाँ पर जो भी लोकल पदाधिकारी हमारे थे, SDM साहब, SDPO साहब, सभी प्रखंड का पदाधिकारी, थाना प्रभारी, सभी ने सूझबूझ से काम लिया ताकि बड़े हादसे को टालते हुए छोटे रूप में 5-6 राउंड फायर किया ताकि वो उपद्रवी है वो यहाँ से भाग जाए। आप ये उसके बारे में जाने समझें, आप उसे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमत होने की स्थिति में ये तरीका नहीं है जो तरीका लोग कर रहे हैं। आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आप, हमने रिक्वेस्ट भी किया था बच्चों से, आप मेमोरेंडम दीजिए हमें, यहाँ से DM साहब हैं, SDM साहब हैं, सरकार तक भेजेंगे, सरकार से विचार करेगी, अलग हिस्सा है ये। आप असहमत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार संपत्ति को तोड़फोड़ करें, हम पुलिस पे हमला करें। सरकारी तोड़फोड़ कर संपत्ति वो किसकी संपत्ति होगी, वो किसके टैक्स से बनता है, वो तो मेरे आपके टैक्स से सब होता है। ये बहुत गलत है।
तो आपके माध्यम मतलब अनुरोध है, अपील भी है, जो भी लड़के बच्चे आपको सुनेंगे वीडियो को, उनके पेरेंट्स हैं वो भी सुनेंगे, जो लोकल आप पर जनप्रतिनिधि हैं नेता है वो सुनेंगे, वो जाके समझाएं बच्चों को ये सही तरीका नहीं है असहमति व्यक्त करने का। बहुत सारे तरीके हैं, शांतिपूर्ण कीजिए, कोई रोक नहीं। गिरफ्तार भी हुआ सर? गिरफ्तारियाँ नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अब कहें ना कि यहाँ लोकल लड़का नहीं था, लोकल थाना प्रभारी चौकीदार।